caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर डिसीज के बारे में, जिसे हम आमतौर पर लंगड़ा बुखार बोलते हैं, कि ये किन कारणों से हमारे पशु में पैदा होता है और इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं हम इस रोग में, या फिर इसका ट्रीटमेंट जो है, इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो अब बात करते हैं ब्लैक वाटर डिसीज के बारे में, कि लंगड़ा बुखार हमारे पशुओं में किन कारण से होता है, या फिर इसके लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं इस रोग में, क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमें जो ब्लैक वाटर डिसीज है, जिसे हम लंगड़ा बुखार बोलते हैं, वो असल में है क्या। तो इसके बारे में बात करते हैं। यह रोग जो है मुख्य रूप में गाय और भैंसों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियल रोग है। बैक्टीरिया की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है, जिसमें पशु के कंधे और पट्ठों में की मांसपेशियां जो है उसमें गैस भरने की वजह से सोजिश पैदा हो जाती है और पशु को बुखार हो जाता है और सेप्टिसीमिया की वजह से पशु की मौत हो जाती है। यह रोग ज्यादातर पशुओं में, गाय में अधिक होता है भैंसों की तुलना में, लेकिन जो ब्लैक वाटर डिसीज है वो संक्रामक यानी सूत का रोग नहीं है। और यह गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में यह रोग तेजी से फैलता है और बारिश के मौसम में इस रोग का जो प्रकोप है वो अधिक होता है। इस रोग में मौत दर जो है वो बहुत अधिक होती है, यानी ज्यादातर पशु जो लंगड़ा बुखार की चपेट में आ जाते हैं, ब्लैक वाटर डिसीज से अफेक्टेड हो जाते हैं, उससे 80-90% पशुओं की जो है मौत हो जाती है। हम सिर्फ 10-20% पशुओं को ही बचा सकते हैं जो ब्लैक वाटर डिसीज से अफेक्टेड है। तो इसमें मौत दर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है। अब बात करते हैं ब्लैक वाटर डिसीज के कारणों के बारे में, कि लंगड़ा बुखार या ब्लैक वाटर डिसीज किन कारणों से हमारे पशु में उत्पन्न होता है। तो यह एक बैक्टीरिया रोग है, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, और इस रोग के बैक्टीरिया जो है कई सालों तक मिट्टी और चारगाह आदि में जीवित रह सकते हैं। इस रोग के स्पोर भी जो है लंबे समय तक मिट्टी में जीवित रहते हैं और 5 साल तक सूखे मांस में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। गर्मी और केमिकल्स को भी काफी हद तक इस बैक्टीरिया जो है सहन कर लेते हैं, और दूषित मिट्टी और चारे आदि को चाटने की वजह से या खाने की वजह से बैक्टीरिया जो है आहार नली के द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, पशु के शरीर में चले जाते हैं और मांसपेशियों तक पहुंचकर संख्या में बाधा करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं और कंधे और पट्ठों की मांसपेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा सोड़ी की टॉक्सिन या जहर जो है मांसपेशियों के रेसे और लहू नालियों को गाल देती है, लहू नालियां गल जाती हैं इस जहर की वजह से, और मांसपेशियों में सड़न पैदा होने से गैस पैदा होने लगती है, जिस कारण जो है पशु के शरीर में सोजिश पैदा होती है, कंधों और पट्ठों पर या गल में सोजिश आने लगती है पशु में, और जिस कारण से हम जब पशु की इस जगह पर या चमड़ी पर, शरीर के हिस्से पर जहां भी पशु के सोजिश है ब्लैक वाटर की, वहां पर हाथ लगाते हैं तो वहां से कागज के फटने की तरह चरचराहट की आवाज आने लग जाती है। वहां पे हमको एक आवाज सुनाई देती है चरचराहट की, जैसे हम कागज को हाथ लगाते हैं तो इस तरह की आवाज आपको सुनाई देती है, और इसी तरह की टॉक्सिन जो है वो फिर पूरे शरीर में फैलाने लगते हैं। पूरे शरीर में ऐसी जो बैक्टीरिया हैं वो फैल जाते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि अंत में हमारा पशु जो है इस रोग अवस्था में शरीर में सेप्टिसीमिया पैदा हो जाता है, जिसके कारण पशु की मौत हो जाती है। तो पशु जो है उसकी डेथ होने लगती है जब पशु के शरीर में सेप्टिसीमिया फैल जाता है और पशु इस टॉक्सिन की वजह से मर जाता है। और ब्लैक वाटर जो है मुख्य रूप से गाय और बैलों का रोग है, ये ज्यादातर गाय और बैल में पैदा होता है। इस प्रकार से यह रोग गाय और बैलों का ज्यादा रोग है, ये गाय और बैलों में ज्यादा फैलता है, लेकिन कुछ हद तक या कुछ मामलों में यह रोग भैंसों में और भेड़ों में भी पाया जाता है। कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें भैंसों या और भेड़ों में भी ब्लैक वाटर जो डिसीज है वो पाई जाती है, लेकिन घोड़े और बकरियों में ये बहुत ही कम होता है। घोड़ों और बकरियों में ये सिर्फ नाममात्र के बराबर होता है। और इस डिसीज की एक खास बात ये है कि ये यंग एनिमल्स में होता है ज्यादातर। जो ब्लैक वाटर डिसीज है वो यंग एनिमल्स में ज्यादा पाई जाती है, जिनकी उम्र जो है 6 महीने से 3 साल के बीच होती है। इस उम्र में यह रोग जो है अधिक मात्रा में होता है और उन पशुओं को होता है जिनकी शारीरिक अवस्था जो है वो ज्यादातर स्वस्थ होते हैं, ज्यादातर एक्टिव होते हैं, उन पशुओं में ये रोग ज्यादातर पाया जाता है। अगर हम बात करें इससे ज्यादा उम्र के पशुओं की, जो 3 साल की उम्र के बाद यह रोग जो है वो बहुत ही कम होता है या नाममात्र के बराबर होता है। और यह बैक्टीरिया जो है जख्म के द्वारा, अगर पशु के किसी भी हिस्से में जख्म है, कोई वाउंड है, तो उस पर इन्फेक्शन होने की वजह के कारण भी जो है पशु के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये जख्म के द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश करके वृद्धि करता है और उसे ब्लैक वाटर अपनी चपेट में ले लेता है। तो जख्म की वजह से भी जो है ब्लैक वाटर डिसीज हो सकती है। और जो नवजात बछड़े हैं, जो छोटे पशु हैं, उनमें भी कुछ समय बाद, जन्म के कुछ समय बाद जो है नाभि के जरिए शरीर में ब्लैक वाटर प्रवेश कर सकता है और उनको भी अपनी जकड़ में जो है ले सकता है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, कि ब्लैक वाटर डिसीज में हमें ऐसे कौन से लक्षण नजर आते हैं जिससे हमें ये पहचान सकते हैं कि हमारा पशु जो है ब्लैक वाटर डिसीज से अफेक्टेड है। तो सबसे पहला जो लक्षण हमें नजर आता है, पशु को हाई फीवर हो जाता है, तेज बुखार होता है पशु को, जो कि 106 डिग्री से 108 डिग्री फारेनहाइट तक बुखार हो सकता है, या फिर कुछ मामलों में जो बुखार है इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। दूसरा हमें जो लक्षण नजर आता है, पशु के जो कंधे
पट्टे या गर्दन में सोजस पैदा हो जाती है गैस बढ़ने की वजह से, मांसपेशियों के गलने से जो गैस बनती है उसकी वजह से सोजस पैदा होती है, तो पशु जो है लंगड़ा कर चलने लगता है और एक पैर से स्पष्ट लंगड़ापन देखा जा सकता है। पशु को खड़ने में मुश्किल पैदा होती है। शुरुआत में जो सोजस है वो गर्म और पीड़ादायक होती है, पशु को पीड़ होती है सोजस पर हाथ लगाने के टाइम, लेकिन बाद में जो सोजस है वो ठंडी और पीड़ा रहित हो जाती है, उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। सूजन के अंदर गैस भरी होने के कारण बाहर से इस स्थान को दबाने से चरचराहट की जो है आवाज आने लगती है और सोजस वाली जगह पर अगर हम चमड़ी को देखते हैं तो वह सूख कर सख्त हो जाती है, उस पर पपड़ी बन जाती है। इस जगह के जो चमड़ी का कलर है या रंग है उसमें भी बदलाव आने लग जाता है, वो थोड़ा हल्का ब्राउन सा होने लगता है। तो इन लक्षणों से आप अपने पशु को देख सकते हैं, उसकी सोजस की जगह में अगर बदलाव आ रहा है तो पशु जो है ब्लैक वाटर डिसीज से अफेक्टेड हो चुका है, वो लंगड़ा बुखार की चपेट में आ चुका है। और इसके बाद का लक्षण हमें दिखाई देता है कि हमारा पशु, अगर हम पशु के इस सोजस वाली जगह पर चीरा लगाएं तो काले रंग का ब्लड निकलता है जिसमें जग मिली होती है, और साथ में हमारा पशु जो है खाना पीना बंद कर देता है, वो चारा बिल्कुल नहीं लेता और जुगाली बंद कर देता है, सुस्त अवस्था में हमारा पशु जो है बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर जो है पशु का एक एक तेजी से गिर जाता है और पशु की 2 से 3 दिन में ही मृत्यु हो जाती है, पशु जो है उसकी मौत हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पशु जो है बिना कोई लक्षण प्रगटाए लंगड़े बुखार के मौत के मुंह में चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने पशु का जो डायग्नोस है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पशु का डायग्नोस जो है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, पशु का डायग्नोस हम सूजन से निकले फ्लूइड को निकालकर जो है जांच के द्वारा करवा सकते हैं या फिर लक्षणों के आधार पर हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे पशु के कंधे पे या फिर पट्ठों पे सोजस है, उससे निकला हुआ फ्लूइड जो है अगर वो काला और झागदार है तो हमारे पशु को ब्लैक वाटर डिसीज है। अगर तेज फीवर है, हमारा पशु सुस्त है और खाना पीना जुगाली बंद कर देता है तो भी उसे ब्लैक वाटर डिसीज की चपेट में आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम अपने पशु का ट्रीटमेंट जो है किस प्रकार से कर सकते हैं ब्लैक वाटर डिसीज में। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, वैसे तो ब्लैक वाटर का कोई भी प्रभावी इलाज जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रोग की अगर शुरुआत में ही हम इलाज करें तो हमें कुछ असर मिलता है, कुछ अच्छा रिजल्ट जो है हमें मिल सकता है। लेकिन अगर पशु का इलाज जो है वो लेट हो जाता है तो फिर दवाइयों का जो असर है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन बरत कर जो है यूज करके अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो इसके लिए आप पेंसिलिन यूज कर सकते हैं। पेंसिलिन जो है आपने हाई डोज में देना है अपने पशु को, 20 से 40 लाख यूनिट देनी है आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, ताकि पशु की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो सके, बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि ना हो, बाधा ना हो। अगर आपको किसी कारण से पेंसिलिन अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो आप टेरामाइसिन भी यूज कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है। तो इसकी जो डोज है वो आपने 20 से 30 ml यूज करनी है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपने आईवी रूट से देनी है, इंट्रावीनस रूट से, और साथ में आपने निमोसलाइड पैरासिटामोल इंजेक्शन यूज करना है जिसे हम एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन बोलते हैं। इससे पशु का बुखार जो है वो कम होता है और पशु के कंधे और पट्टों में आई सोजस को कम करने के लिए हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 20 ml होनी, 15 से 20 ml आप दे सकते हैं और आपने ये इंट्रामस्कुलर रूट से देना है, मींस आईएम रूट से देना है। इसके बाद बात करते हैं डेक्सामिथासोन इंजेक्शन के बारे में, तो ये इंजेक्शन जो है आपने अपने पशु को 5 ml देना है ताकि हमारे पशु में जो भी एलर्जी रिएक्शन है या फिर उसकी जो मांसपेशियां गलने लगती हैं इन्फेक्शन की वजह से या जो संख्या में वृद्धि करते हैं बैक्टीरिया, उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या एलर्जिक कंडीशन को कम करने के लिए आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। इसकी डोज आपने 5 ml देनी है अपने पशु को आईएम या आईबी रूट से, और आपने ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आप ये इंजेक्शन ना दें क्योंकि प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन की वजह से ओवुलेशन होने के चांस रहते हैं। तो इसके बाद यही सभी जो मेडिसिन है ये आप शुरुआती अवस्था में ही अपने पशु को दें तो असर कर सकती हैं, लेकिन इसलिए आप लक्षण प्रकट होने पर ही जो ट्रीटमेंट जो है आप तभी देना स्टार्ट कर दें, इसमें कोई भी देरी ना करें। अगर इलाज में कोई भी कमी या देरी हो जाती है तो हमारे पशु का जो है नुकसान हो सकता है, उसमें कोई भी प्रभावी इलाज जो है वो हमें नहीं मिल सकेगा। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल के बारे में कि हम किस प्रकार से ब्लैक वाटर डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने पशु के इस जानलेवा रोग से बचाना चाहते हैं, ब्लैक वाटर से बचाने के लिए, आप पशु को 3 महीने की उम्र के बाद ही हर साल मई या जून के महीने में पशु का टीकाकरण करवाएं, पशु को वैक्सीन लगवाएं। 14 दिन के बाद जो है पशु के शरीर में रोग के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जिससे पशु को ब्लैक वाटर डिसीज जो है वो अपनी चपेट में नहीं लेती, और रोग से प्रभावित क्षेत्रों में पशु को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अगर आपको शंका है कि आपका पशु ब्लैक वाटर डिसीज की चपेट में आ रहा है तो आप अपने पशु को पेंसिलिन इंजेक्शन लगाते रहें, इस प्रकार से जो है आप अपने पशु को इस जानलेवा रोग से बचा सकते हैं। आप अपने पशु को ब्लैक वाटर के जो चपेट में आने से या अफेक्टेड होने से अपने पशु को इस प्रकार से बचा सकते हैं, आपने पेंसिलिन अपने पशु को जो है देते रहना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनको भी इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चल सके। और ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।